लास्ट लेक्चर 4 में हमने देखा था रेजिस्टेंस, द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट द रेजिस्टेंस, दैट इज टेम्परेचर एंड द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में देखा था कि स्ट्रेचिंग कर रहे हैं वायर की, तो वहाँ से उसका लेंथ और एरिया चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस वॉल्यूम कॉन्स्टेंट करके हमने ये प्रूफ किया था कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अब कुछ ऐसे केस देखें जिसमें कि रेजिस्टेंस जो है करंट जहाँ से फ्लो हो रहा है, दैट इज द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है, वो ईच एंड एवरी मोमेंट पे चेंज हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दैट इज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन द केस when current is flowing through variable cross-sectional area। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ईच एंड एवरी मोमेंट पे हमारा चेंज हो रहा होगा, तो उस केस में हम कैसे करंट निकालेंगे, सॉरी रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे उस कंडक्टर का। जिसमें पहला एक केस लेते हैं, केस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर का केस लेते हैं, जैसे कि एक स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है, इसका रेडियस कुछ आर वन ले लेते हैं और ये सराउंडेड है किसी कंसेंट्रिक स्फेयर से जिसका रेडियस है आर टू, और सिंस हमें करंट फ्लो कराना है तो इसमें हमने एक कंडक्टिंग मीडियम भर दिया जिसकी रेजिस्टिविटी कुछ हम रो ले लेते हैं, रो इसकी रेजिस्टिविटी है और यहाँ पर इसे हम कांस्टेंट बोल रहे हैं, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। यहाँ पर हमने क्या किया कि करंट फ्लो कराने के लिए अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी है, तो यहाँ पर अगर आपने कोई प्लस रखा है और यहाँ पे माइनस, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट का फ्लो होना है, तो करंट हमारा इस केस में रेडियल डायरेक्शन में फ्लो होगा, रेडियल डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा इस तरीके से। तो क्या देख रहे हैं आप कि ईच एंड एवरी मोमेंट जिस भी रेडियस रेडियल डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो हर इंस्टेंट पे हमारा जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेयर बनेगा, और हर जगह का कर्व सरफेस एरिया आपका चेंज हो रहा होगा। तो हर जगह का जब कर्व सरफेस एरिया चेंज हो रहा होगा, तो हम रेजिस्टेंस में जो एरिया है उसे हम डायरेक्ट लिख नहीं पाएंगे, हमें पहले उसे इंटीग्रेट करना होगा फंक्शन बनाकर। तो हमारा फंक्शन ये बना सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि लेट ए डिफरेंशियल एलिमेंट, दैट इज कोई एक स्फेरिकल शेल हम यहाँ पे ले सकते हैं किसी आर डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस पे आके और एक स्फेरिकल शेल यहाँ पे ले सकते हैं, और इस पे थिकनेस इसका है डी आर, ये डी आर थिकनेस का हमें स्फेरिकल सेल यहां पे ले सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज डी आर जो हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट है वो बहुत स्मॉल है, तो जो भी कर्व सरफेस एरिया आर रेडियस के स्फेयर का होगा वही कर्व सरफेस एरिया आर प्लस डी आर रेडियस के स्फेयर का होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंस डी आर इज वेरी स्मॉल, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ आर रेडियस of the sphere
is same as for r plus dr radius of the sphere. तो जो curve surface area r radius के sphere के लिए होगा वही r plus dr के लिए होगा, और इसमें जो current flow हो रहा होगा उसके वजह से मान लेते हैं कि let d capital R be the resistance of dr thickness of the cylinder of the sphere of the spherical conductor. तो dr के लिए हम लिख सकते हैं रो कांस्टेंट है, एल क्या देखा जाएगा हमारा रेडियल डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो केवल डी आर थिकनेस के लिए जो लेंथ होगा वो हमारा डी इंटू आर होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमने डिस्कस किया वो हमारा क्या होगा रेडियल डायरेक्शन में फ्लो है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इतने रेडियस का जो स्फेयर होगा उसका जो एरिया होगा वही हमारा कर्व सरफेस एरिया बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर. तो इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस के लिए वो होगा रो अपॉन 4 पाई डी आर अपॉन आर स्क्वायर फ्रॉम 0 to R, ये हो जाएगा हमारा R1 से R2. तो R आ जाएगा रो अपॉन 4 पाई माइनस 1 अपॉन R, R1 से R2 लिमिट रख देंगे तो R आ जाएगा रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन. So that is the resistance of this spherical conductor where each and every moment cross-sectional area is changing. तो इसी तरीके से हम ये पूरा सेटअप एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए भी कर सकते हैं. जैसे कोई एक दूसरा केस अगर हम लें, केस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर, किसी सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए अगर हम देखें तो कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर अगर जैसे लें, तो इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए यहाँ पे हमारा कोई मटेरियल मीडियम है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है जो कि कांस्टेंट है, ये हमारा इनर रेडियस आर वन है, ये आउटर रेडियस आर टू है. अब यहाँ पे भी हमने कोई अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा अप्लाई किया जो कर्व सरफेस एरिया के है, इनर कर्व सरफेस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस किया, तो यहाँ से जो करेंट का फ्लो होगा फिर से फ्रॉम हायर से लोअर पोटेंशियल होगा, और वो भी कैसा होगा रेडियल डायरेक्शन में होगा इस तरीके से. तो इस केस में भी हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिससे करंट परपेंडिकुलरली फ्लो हो रहा है, दैट इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी मोमेंट. इन द सेम केस वी विल टेक ए डिफरेंशियल एलिमेंट, सेम अप्रोच होगा. तो यहाँ पर एक डिफरेंशियल एलिमेंट हम ले सकते हैं आर रेडियस का, और वो क्या माना जाएगा एक सिलेंडर जिसका थिकनेस हम ले सकते हैं कुछ dr इस तरीके से, एक dr थिकनेस का एक dr थिकनेस का हम एक सिलेंड्रिकल सेल बोल सकते हैं, और इसका रेडियस है हमारा r, r रेडियस है और थिकनेस इसका है dr. तो हम फिर से वही सेम लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे कि dr हमारा बहुत स्मॉल है, तो dr अगर बहुत स्मॉल है तो इसके लिए जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर r रेडियस का होगा वही r प्लस dr रेडियस के लिए भी होगा. तो फिर से हम वो बोल सकते हैं कि डी कैपिटल आर जो लिख सकते हैं ये क्या है,
रेजिस्टेंस ऑफ dr थिकनेस ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल क्या हो जाएगा, वो रो कांस्टेंट है, लेंथ के जगह फिर से dr अपॉन यहां जो एरिया लिखा जाएगा वो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और कौन से सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, r रेडियस के सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि जो r रेडियस के सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा वही r प्लस dr के लिए होगा। तो हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एल, इसको हम लेंथ एल ले लेते हैं इसका। तो अब इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं फंक्शन बना के 0 से r, और ये हमारा r1 से r2। तो हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा रो अपॉन 2 पाई एल, तो कांस्टेंट ही होगा, और डी आर अपॉन आर, आर वन से आर टू, जो कि आएगा रो अपॉन 2 पाई एल एल एन आर टू अपॉन आर वन। तो सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए हम रेजिस्टेंस ऐसे दे सकते हैं। यही अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा, यही पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कुछ चेंज कर दे, देखिए यही पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के लिए अगर मैं ऐसे अप्लाई करता सर्कुलर पार्ट में, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो हमारा इफेक्टिव करंट का फ्लो ऐसा होता, और जब इफेक्टिव करंट का फ्लो ऐसा होता तो यहाँ पर हमारा इफेक्टिव क्रॉसिंग एरिया चेंज नहीं हो रहा है, ये आर वन है ये आर टू है, तो इफेक्टिव क्रॉसिंग एरिया इज नॉट चेंजिंग, और वो कितना होगा, वो होगा पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस केस में रेजिस्टेंस के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर इसका लेंथ एल है और रेजिस्टिविटी रो है, आर इक्वल टू होगा रो एल अपॉन, बस एरिया की जगह आप लिखेंगे पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। ये तो आप बता सकते हैं अगर यहाँ पे इफेक्टिव एरिया चेंज नहीं हो रही, बट इन दोनों केसेस में जो अभी हमने देखा कि इनमें अभी रजिस्ट इफेक्टिव एरिया हमारी चेंज हो रही है, इसलिए हमने इसको इंटीग्रेट किया। अगर इसी में अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि रो हमारा कांस्टेंट नहीं है, इसमें ये बोला जाए कि इफ रो इज वेरिएबल, अगर हमें बोला जाए कि रो हमारा वेरिएबल है, तो रो इफ रो इज वेरिएबल, तो अगर वो वेरिएबल होगा तो कोई ना कोई रेडियल फंक्शन देगा, जैसे रो इक्वल टू रो नॉट आर, या फिर रो नॉट बाई आर स्क्वायर, या रो नॉट ए प्लस बी आर, इस तरीके से ईटीसी एनी फंक्शन हो सकता है। तो अगर रेजिस्टेंस हमारा सॉरी रेजिस्टिविटी भी रेडियल फंक्शन दिया जाए तो इस सेम हमें ऐसा ही करना है, बट यहाँ पर बस क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टिविटी है, और ये जो रेजिस्टिविटी है जो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गई है, ये हमारी रेजिस्टिविटी इंटीग्रेशन साइन के बाहर नहीं आएगी, इसके जगह पे जो भी फंक्शन दिया होगा रेडियल वो आप यहाँ पुट करोगे और अकॉर्डिंगली आपका नया फंक्शन बन जाएगा, यू विल इंटीग्रेट। तो एक क्वेश्चन बन सकता है आपको इस तरीके का भी। तो इस वाले पूरे सेगमेंट में हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम किसी वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई करंट फ्लो हो रहा है तो हम उसका अप्रोच लगाकर उसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं फंक्शन बनाकर, और उसे हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं।